जो सदा से सभ्यता का गढ़ था, वो आज भी विश्व का नेता है। ये है नया भारत जो वसुधैव कुटुंबकम का प्रणेता है। हर गांव और शहर से जुड़े हैं प्रगति के तार, यहाँ तेज है सबके विकास की रफ्तार। आज यंग इंडिया के हाथ में है विश्व क्रांति की मशाल। यही तो है नया भारत, सुनहरा अमृत काल। गुड मॉर्निंग इंडिया, हेलो हिंदुस्तान, नमस्कार भारत। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग कंप्यूटर किसने बनाया? देश का पहला पोर्टेबल वाटर पोल्यूशन डिटेक्टर किसने इन्वेंट किया? स्ट्रे डॉग्स की वैक्सीनेशन के लिए ट्रैकर किसने तैयार किया? अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब किसी बड़े एक्सपीरियंस साइंटिस्ट का काम है तो आप गलत है। अगर आपको लगता है इसके पीछे बड़ी कंपनीज की रिसर्च है तो भी आप गलत है। अगर आपको लगता है कि ये महान इन्वेंशंस कुछ खेलने कूदने की उम्र वाले बच्चों ने किए हैं, तब भी आप सही है। जी हाँ, ये सारे आविष्कार और ऐसे कई इन्वेंशंस नए भारत के स्कूल स्टूडेंट्स ने किए हैं। भारत सरकार ने हमारे देश के स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए इंस्पायर स्कीम शुरू की है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने साइंटिफिक इनोवेशन के आइडियाज भेज सकते हैं। 2020-21 में इस स्कीम के तहत देश भर के 2,00,000 स्कूल से 6.5 लाख आइडियाज इन्वाइट किए गए, जिसमें से बेस्ट आइडियाज को डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में एग्जिबिट किया गया। मानक अवार्ड द्वारा सरकार ने साइंस और सोशल एप्लीकेशंस के लिए स्कूल स्टूडेंट्स के 1,000,000 ओरिजिनल आइडियाज जनरेट करने का टारगेट फिक्स किया है। इसके अलावा बच्चों में साइंटिफिक लर्निंग का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, साइंस ओलंपियाड और इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं। इसलिए आज इंडियन टेलीविजन के सबसे पॉजिटिव शो में हम देखेंगे देश के यंग इनोवेटर्स का कमाल। यह नया भारत, सुनहरा अमृत काल। तो आइए आज आपको एक ऐसे क्यूट एंड शार्प स्टूडेंट से मिलवाते हैं जो सिर्फ 16 साल के हैं। ये जम्मू से आए हैं, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, लेकिन विमेन सेफ्टी जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर एक ऐप बना चुके हैं। यह है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के विनर, न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेस के मेंबर, 2022 डायना अवार्ड के रेसिपिएंट। प्लीज वेलकम हरमनजोत सिंह। आपका स्वागत है नया भारत, सुनहरा अमृतकाल में। हरमनजोत, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 16 इयर्स है। वाह कमाल, 16 साल की उम्र में इतने सीरियस मुद्दे को लेकर वुमेन सेफ्टी के लिए आपने एक ऐप बना लिया। इस ऐप के बारे में हमें कुछ बताएंगे प्लीज? जी, जो मैंने वुमेन सेफ्टी ऐप बनाया उसका नाम है रक्षा वुमेन सेफ्टी ऐप। ये मैंने बनाया था जब मैं क्लास 8 में था, जब कोविड लॉकडाउन आया, तो इस वजह से मुझे काफी टाइम मिला कि मैं अपने पैशन और स्किल्स की तरफ फोकस कर सकूं, और साथ ही साथ मुझे न्यूज पढ़ने का भी काफी शौक पड़ गया था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने सीखी है क्यों ना उसका सही उपयोग करूं, और तब रक्षा वुमेन सेफ्टी ऐप का जन्म होता है। पहला मोटिवेशन मिला जब मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से लाइव इंटरेक्शन की। कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मेरे दिल को छू गए, जैसे कि उन्होंने कहा अब कहीं भी जाओ, इंडिया के बाहर भी कभी काम करने का मौका मिले, पर हमेशा अपने रूट्स को ध्यान में रख के काम करना। तो हरमन, आप हमें ये बताएंगे कि ये ऐप वर्क कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी वुमेन या कोई भी मेल या कोई भी बच्चा कोई अनसेफ फील कर रहा है, वो इस ऐप को आराम से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल पे खोल सकते हैं। तो इसका सबसे पहला मेन पेज ही ऐसा है कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको पुलिस को कॉल करना है या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एटसेट्रा, इन ऐसी एजेंसीज को कॉल करना है, तो आपको सारी गाइडलाइंस एंड इन्फॉर्मेशन दी गई है, और आप एक बटन के थ्रू जब भी अगर आप अनसेफ फील करें, आप डायरेक्टली SOS बटन पर प्रेस करके उनको एक इमरजेंसी SMS भेज सकते हैं विद योर लाइव लोकेशन, सो दैट दे नो यू आर फीलिंग अनसेफ एंड सो दैट दे कैन कॉन्टैक्ट यू। हरमन, आपके इस ऐप के अब तक कितने डाउनलोड हुए? जी सर, अब तक इस ऐप के
11,000 plus installs हो सके all over the world. And with an average rating of 4.5 की average rating. आपको जब 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला तब आपको कैसा लगा? जब मेरे पास ईमेल आई रिगार्डिंग कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ इस अवार्ड के लिए, इट वॉज लाइक हैप्पीएस्ट मोमेंट इन माई लाइफ फॉर मी एज वेल माई फैमिली मेम्बर्स. एक्चुअली उस अवार्ड से इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिली जो मुझे नहीं लगता किसी और अवार्ड या किसी भी मेथड से मिल सकती थी. तो सबसे पहले पहला मोटिवेशन मिला जब मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से लाइव इंटरेक्शन की. कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मेरे दिल को छू गए, जैसे कि उन्होंने कहा अब कहीं भी जाओ, इंडिया के बाहर भी कभी काम करने का मौका मिले पर हमेशा अपने रूट्स को ध्यान में रख के काम करना. और जो भी उस समय को हमेशा याद रखते हैं उन्हें हमेशा रियलाइजेशन रहती है कि हम बिल्कुल ग्राउंड से उठ के कैसे हमने काम किया, कैसे मेहनत की. और आप हमेशा डाउन टू द अर्थ रहोगे इस मेथड को अप्लाई करके. तो ये काफ़ी मोटिवेशन मिली ऐसे काम करने की. इस ऐप के अलावा आपने और कौन कौन से इनोवेशंस किए? तो रक्षा वुमेन सेफ्टी ऐप पहला स्टेप था टुवर्ड्स दिस जर्नी. और उसके बाद इन अप्रैल 2021 तब काफ़ी इंटेंस लॉकडाउन फिर से इम्पोज हो गया पूरे कंट्री में. तो फिर नया टाइम मिला कुछ और एक ऐप नई चीज. यस सर. अच्छा. हाँ तो उस टाइम इट वॉज सिचुएशन ऑफ पैनिक एंड क्राइसिस एंड उसका मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट रहा था जी. तो मैंने एक रिसर्च वर्क किया वेयर आई डेवलप अ स्मार्ट मेंटल हेल्थ केयर मॉनिटरिंग ग्लव जो आप अपने एवरीडे लाइफ में पहन सकते हो अपने हैंड में. एंड वो आपका जो कामिफे मेंटल हेल्थ एप्लीकेशन है वो उस ग्लव के साथ फॉर एवर कनेक्टेड रहेगा. और जो भी रियल टाइम वाइटल पैरामीटर्स लाइक ऑक्सीजन सैचुरेशन इन योर ब्लड, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस लेवल, बेसिकली वो काफ़ी इनोवेटिव मेथड था जिससे मैंने स्ट्रेस को कैलकुलेट करने का एक मेयर बनाया ताकि आप मॉनिटर कर सको कि हमारा स्ट्रेस लेवल क्या है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन एटसेट्रा, उसके लिए भी जो मेडिकेशन का उसको मॉनिटर करने के लिए एक मेथड बनाया थ्रू सेंसर्स इन माई ग्लव. और वो साथ ही के साथ वो डेटा जो भी आप ग्लव से ट्रांसमिट होता वो आपके डॉक्टर को भी चले जाता साइड बाय साइड. लोगों को इसकी काफी हेल्प हुई कि आप घर बैठे मॉनिटर कर सकते हो और डॉक्टर से भी कंसल्टेशन ले सकते हो. इनोवेशन के लिए लास्ट ईयर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडक्ट कराई, आई वॉज वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल टू विन दैट कॉम्पिटिशन. एंड दैट इज वाई आई गॉट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद प्राइम मिनिस्टर सर वंस अगेन. मैंने उनको अपनी इनोवेशन के बारे में बताया तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा कि स्कूल स्टूडेंट्स भी इस विषय पे काम कर रहे हैं. इसके बाद रिसेंटली अगस्त में एक और प्रोजेक्ट शुरू कर दिया. उसका प्रोजेक्ट का नाम था सजग मित्र विच जो अगेन एक मोबाइल एप्लीकेशन है. तो बेसिकली आपके कम्युनिटी में जो भी प्रॉब्लम्स है, नॉट स्पेसिफिक प्रॉब्लम की वुमेन सेफ्टी है, मेंटल हेल्थ केयर है, चाइल्ड अब्यूज है, ऑल दिस थिंग्स, उन सब फीचर्स को एक ही एप्लीकेशन में डाल दिया कि कहीं और जाना ही ना पड़े. उस ऐप को खोलो सजग मित्र, दैट इज सेफ्टी अवेयरनेस जस्टिस एप्लीकेशन फॉर कम्युनिटी केयर, ये उसका फुल फॉर्म है. और इसके लिए मुझे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA जो वर्ल्ड की नंबर वन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है उनकी तरफ से MIT समर एपाथॉन फॉर गुड, ये उनकी हैकाथॉन थी जिसमें आई वॉज द ओनली इंडियन टू गेट द इंटरनेशनल विनर प्राइज ओवर देयर फॉर माई एप्लीकेशन. क्या बात है अरमान. अरमान आपकी मम्मी आज हमारे साथ ऑडियंस में बैठी है तो क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? जब अरमान ये एप्स बना रहा था शुरुआत में तब आपको लगा था ये इतना सक्सेसफुल हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं लगा था. तब ठीक है शुरू किया, इसने लर्न करना शुरू किया तो ही वॉज इंजॉइंग, इतना देख रही थी कि इंजॉय कर रहा है ये चीज को. तो जब अरमान को 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था तब आपको कैसा लगा? तब तो वो तो हमारे लिए एकदम स्पीचलेस ही थे. तब ओवरनाइट पॉपुलर हो गया होगा अरमान. इनफैक्ट वो लाइफ टर्निंग मोमेंट था क्योंकि उस अवार्ड ने इसको मोटिवेशन एनकरेजमेंट बहुत ज्यादा दिया.
उसके बाद तो ये फिर रुका नहीं है ना, उसके अच्छा। बाद तो फिर कहता कि अब तो मैं करूंगा काम, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे काम करूंगा। वाह 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 वाह, ऑल द बेस्ट अरविंद। अरविंद बाजी आप ना बच्चे नहीं हो, आप तोप हो और पूरे भारत की होप हो। थैंक यू सो मच अरविंद, आप हमारे शो पर आए और कमाल का काम जो आप कर रहे हैं वो आगे जाकर भी करते रहिएगा। yes. हमें बहुत गर्व है आप पे। मैं जब 16 साल का था तब स्मार्टफोन जैसी कोई चीज ही नहीं होती थी, अगर होती भी तो मैं शायद हरमन जितना कमाल का काम नहीं कर पाता। लेकिन आज नए भारत के यंग इनोवेटर्स सोशल कॉजेस के लिए एप्स बना रहे। अब मुझे पूरा विश्वास है कि इस अमृतकाल में भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं किसी देश का फ्यूचर देखना हो तो वहां के यंग बच्चों को देख लो, जैसे बच्चे होंगे वैसे ही उस देश का फ्यूचर। तो आज हरमन और तनिष जैसे यंग इनोवेटर्स से मिलकर मुझे तो बड़ी तसल्ली हो रही है कि हमारे देश का फ्यूचर एकदम ब्राइट है। जिस कंट्री में 10वीं 11वीं के बच्चे इतने रिस्पॉन्सिबल मुद्दों के इनोवेटिव सॉल्यूशन डिजाइन कर रहे हो उसे भला विश्व गुरु बनाने से कौन रोक सकता है। यही तो है हमारे देश के यंग इनोवेटर्स का कमाल, यही है नया भारत सुनहरा अमृतकाल।